सोचता हूँ दोस्तों पर मुकदमा कर दो, सोचता हूँ दोस्तों पर मुकदमा कर दो। क्यों भाई? कम से कम इसी बहाने तारीखों पर मुलाकात तो। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप गेटिंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत वीडियो से अलग होने वाली है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। मैंने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका रिस्पांस मेरे बहुत सारे दोस्तों ने दिया है, तो उसी से एक टॉपिक में सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्कूल मेमोरीज। दोस्तों, अभी मैं 10th क्लास में जाऊँगा जब से स्कूल रीओपन होगी, और मैं समझ सकता हूँ कि ये मेरा लास्ट ईयर है स्कूल का। ये एकदम स्पेशल वीडियो होने वाली है, थोड़ी रोज के वीडियो से अलग है, कंटेंट अलग है। रास्ता मंजिल का दिखाने वाला एक वो खूबसूरत सफर था, कोई और नाम मत देना उसे, वो दूसरा मेरा घर था। रिंग जा रही है, इतने दिन हो गए कोरोना वायरस के वजह से क्वारंटाइन में, अपने दोस्तों से बात ही नहीं हो रही। 50 साल का हो गया हो, हेलो। कैसा है? और कुछ नहीं, बस थोड़ी क्वारंटाइन की वजह से दाढ़ी बढ़ गई है मेरी, और बाल के तो धजिया ही उड़ गई है, बस सफेद होने बाकी है, वो अच्छा है, वरना आजकल के बुड्ढे का भी सीन दिख रहा है। और बोल। हेलो हेलो, कट हो गया। तो दोस्तों, आ गए आप? नमस्कार, मेरा नाम है राहुल, और थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई है क्वारंटाइन की वजह से, घर पर रहना पड़ रहा है ना, मोदी जी ने बोल दिया है कि घर पर रहो, इसलिए हम घर पर ही रह रहे हैं। थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बिगड़ गए, और चश्मा तो बुढ़ापे में तो चश्मा लगता ही है ना, इसलिए अभी क्या करें, ये फ़ोन का सहारा है, दिन भर टिकटॉक की वीडियो बनाते रहते हैं, बस टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं। अगर आपने हमको टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया है तो मत करो, क्योंकि हमारा टिकटॉक का अकाउंट बंद हो चुका है। दोस्त से बात कर रहे थे बचपन के, आज भी बहुत याद आते हैं वो स्कूल के दिन, क्या बताएं आपको। हाँ यार, स्कूल के दिन तो आज भी बहुत याद आ रहे हैं। सही में मेरा बच्चा बोल रहा था कि क्वारंटाइन में उसको स्कूल की बहुत याद आ रही है उसको। इतनी याद आ रही है उसको कि बेचारा रो रहा था। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। नेटवर्क ही नहीं आ रहा यार, स्वयं यार स्कूल की याद दिला दी इसने, चलो फ्लैशबैक। हेलो नमस्कार, बाय द वे आप आ गए, मैं हूँ राहुल का दोस्त रमेश, नमस्कार। तो चलो, ये साल हम स्कूल छोड़ रहे हैं, ये मेरे स्कूल का आखिरी साल है। मेरा नाम रमेश, मेरी उम्र 15 साल है। तो आपको बात बता दो, स्कूल की बहुत याद आती है या आएंगी, आखिरी साल है, बहुत मज़ा की मेरे दोस्तों के साथ, स्पेशली वो जो राहुल है ना, उसके साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड था, हम दोनों बैक बेंचर थे दोस्तों, बैक बेंचर, मज़ा आती थी। तो इतने याद आते दोस्तों स्कूल के दिन, मैं और राहुल बैक बेंचर थे स्कूल में, हमने इतनी मस्ती की, इतनी मस्ती की कि आपको बता ही नहीं सकते। ये जो स्कूल की यादें हैं ना दिमाग में, ये आपको बुढ़ापे तक याद रहेगी। पहली बात, मस्ती। जो बंदा स्कूल जा रहा है जिसने मस्ती नहीं की, वो घंटा कुछ उखाड़ने नहीं जाएगा। दूसरी बात, टीचर से जिसने पंगे ना लिए और क्लास के बाहर नहीं खड़ा हो, वो भी स्कूल लाइफ उसने कभी जी नहीं होगी। टॉपर फर्स्ट बेंच पे बैठते थे और हम लास्ट बेंच पर, लास्ट बेंच पे तो हम अपनी दुनिया में रहते थे, मज़ा आती थी। दोस्तों की बातें रहती थी ना बैक बेंच पे, वो क्लास में कम अब की दुनिया में ज़्यादा रहती थी, बहुत मज़ा आता था भाई, बहुत मज़ा। ज़िंदगी में ऐसी लाइफ आपने कभी जी नहीं होगी। अगर आप स्कूल छोड़ दिया होंगे ना, आपने पास आउट हो गए होंगे ना, तो आपके दिमाग में स्कूल की याद आएगी। वो ऐसी थी वो स्कूल, जो पहले दिन जाते वक्त मैं रोया था, इतना रोया था, मजाक नहीं, बहुत रोया था मैं, चपटे बाल थे मेरे, बहुत रोया था।
आज स्कूल से निकलेंगे ना ये साल, जब ये साल स्कूल से निकलेंगे ना मजाक नहीं बहुत। एक बात बोलू, जिसने होमवर्क किया है और अपने दोस्तों ने होमवर्क नहीं किया ना, तो मैं था उनका साथी, क्लास के बाहर खड़ा रहता था और मिस को बोलता था मैं नोटबुक लाना भूल गया, और दोस्तों के साथ बाहर क्लास के खड़े रहने में जो मज़ा आता था ना, वो जिंदगी में कभी नहीं आया। सही में वो जो क्लास मॉनिटर है ना साला, उसका आज भी हिसाब करना है। सही में नाम लिखता था मेरा बोर्ड पे, इतना सज्जन बच्चा नहीं था मैं, इतनी शरारत की होगी ना स्कूल में किसी ने आज तक नहीं की होगी। सही में 10 साल से जो फर्स्ट है लास्ट तक, 10 साल जो स्कूल में रहे ना, स्कूल के हर एक जगह मालूम है हमको, इतनी मजा आई है स्कूल में। जब मॉनिटर नाम पर, जब बोर्ड पर अपना नाम लिखता था ना, मैं और मेरे दो दोस्तों का, मैं रमेश राहुल का और एक बंदा था उसका लिखता था ना, तो हम शांति बैठते थे, वो भले स्टार दे, हम बोर्ड की तरफ सर से भागते थे रफ करके, फिर से लास्ट बेंच पर आ जाते थे। और लास्ट बेंच ऐसी जगह है, जितना सुकून आपको लास्ट बेंच पे नहीं मिलता, उतना सुकून किधर ही नहीं मिलेगा आपको। क्लास से नाता अलग था, बैक बेंच का नाता अलग था। जो बेंच पर हम बैठते थे ना, या फिर बैठते हैं, वो बेंच जिंदगी में कभी किसी और ने अगर बैक बेंचर होगा तो बेंच इतना याद करेगा, उससे मेमोरीज इतनी भारी थी। ब्रेक के पहले दोस्त का डब्बा चुरा के ब्रेक से पहले खाना, इतना मज़ा आता था। मेरा खुद का टिफिन का एक्सपीरियंस है, टिफिन मेरा खुद का एक था, खिचड़ी मेरे दोस्तों को बहुत पसंद थी मेरी घर की, और जो शिव मुरमुरे में मसाला डाल के हम खाते थे, डब्बा एक रहता था और खाने वाले हाथ 8 रहते थे। इतनी मज़ा आती थी लास्ट मोमेंट पे कि पहुँचूँगा। लड़कियों के सामने बहुत सज्जन बनते थे, अकेले में डॉन बनते थे। भले किसी ने नाम लिखा होगा, लेकिन जो नाम हमारे दिल में आया ना स्कूल के लिए, वो कभी नहीं मिटेगा। सही में भले बोर्ड पे हजारों बार हमारा नाम लिखा गया हो, लेकिन जो स्कूल की मेमोरी का जो नाम था ना, वो दिल में हमेशा के लिए रहेगा और वो कभी नहीं मिटेगा। लिख के ले लो मुझसे, लेकिन कभी नहीं मिटेगा। सही में राहुल का फोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ बोल राहुल। हाँ ठीक है, आगे की बातें तू करेगा क्या? ठीक ठीक है, बाय। तो दोस्तों और एक बात ये है कि सुनो, बहुत दिल से बोल रहा हूँ, जो दोस्त अपने स्कूल में बनाए ना, वो दोस्त आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। सही में, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा दोस्त 8th में आया है, एक मैंने 1st से 10th एक ही स्कूल में किए, या फिर कर रहा हूँ, क्योंकि अगले साल मार्च तक मैं 10th से निकल जाऊँ। पीयूष नाम का, वो 9th और 8th पूरा साल रहा और 10th में निकल गया स्कूल से। जो 2 साल हमने इतने बिताए थे ना दोस्तों, सही में आज भी बहुत याद आते हैं। सही में हम दोनों का स्पोर्ट्स डे जब रहता था, हम दोनों को स्पोर्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो जब टीचर खड़े रहते थे ना, तो हम चुपके से क्लास में आकर पकड़ा पकड़ी खेला करते थे, पेन फाइटिंग खेलते थे, और एक दोस्त था तुषार नाम का, और बाकी के बहुत सारे दोस्त थे, तो पेन फाइटिंग, रेड हैंड्स, चिड़िया उड़, बहुत सारे गेम थे, बहुत खेलते थे। अगर आपका कोई ऐसा मित्र है जो आपके साथ हर रोज प्रिंसिपल कैबिन में एसी की हवा खाने जाता था, उसमें से मैं एक था। अगर आपका कोई दोस्त है जो प्रिंसिपल के कैबिन में जाकर रोज हवा खाता था, प्रिंसिपल ने बुलाया, डांट खाना, बाहर आना, रोज का यही चलता था, उसमें से उस टाइप का मैं एक था। बहुत मजा आती थी। सेम, और आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जिनकी स्कूल बाकी है या खत्म हो चुकी है, स्कूल में जो आपने दोस्त बनाए, वो जिंदगी में कभी नहीं बना सकूंगी। सेम, तो मैं राहुल बोल रहा हूँ, राहुल। तो दोस्तों मैं और रमेश इतनी मस्ती करते थे, इतनी मस्ती करते थे कि क्या बताऊँ आपको, इतनी मस्ती। जब हमारी प्लेस चेंज की जाती थी, तो सही में बोल रहे, मजाक नहीं कर रहे हम,
इतनी डांट पड़ती थी हम दोनों को, नहीं क्लास मॉनिटर को, बेचारा लास्ट बेंच पर तड़ी खाता था ना हम दोनों के वजह से। इसलिए हम दोनों को अलग करना मतलब समुंदर में से पानी खाली करने जैसा है। हम दोनों की दोस्ती पूरे स्कूल में फेमस थी, बहुत मजा थी। घर में हमारी तो एक बॉटल भरी नहीं जाती है, पर सही में स्कूल में हम दोस्तों के साथ 8 बॉटल भर के लाया करते थे। और मेन बात, जो हम टिफिन खाते थे दोस्तों का, ऐसा लगता था कि 56 भोग खा रहे हैं। सही अगर सबसे एक बात पूरी दुनिया में गंदी लगती थी मुझे, कि अपना बेस्ट फ्रेंड बिना बताए स्कूल में एब्सेंट हो और हमें बोले कि मैं कल आऊँगा और हम जाते थे वहाँ पर और वो एब्सेंट रहता था, तो इतना गुस्सा आता था कि उसको पहलने का मन कर रहा था। सही में मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। विद डैट सेट, एज ऑलवेज धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दो। अगर नए हो चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। थोड़ी अलग थी वीडियो, बस शुभ खैर, बाय बाय, मिलता हूँ कल होपफुली, बाय बाय।